CBSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हेलो टेनिस, हमारा थ्योरी में लेसन नंबर 7 है, शाह एवं संबंधित मशीनें। पहला हेडिंग इसमें पावर शाह। देखिए पावर शाह क्या होता है, हम वर्कशॉप में जो धातु के पीस होते हैं एमएस के, उसको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैंड एक्सर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कोई जॉब जिसका डाया अधिक है, बहुत मोटा है, तो उसको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जिस युक्ति का प्रयोग करेंगे उसे हम कहते हैं पावर शाह। ठीक है, देखिए सामान्यतः वर्कशॉप में धातु खंडों को हैंड हैक्सा के द्वारा काटने का कार्य किया जाता है, लेकिन अधिक मोटाई के धातु खंडों या लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे पावर शाह कहते हैं। ये मशीनें विद्युत द्वारा स्वचालित होती हैं। इन मशीनों में ब्लेड को विद्युत शक्ति द्वारा पावर दी जाती है तथा जॉब को वाइस में बांधकर रखा जाता है। ब्लेड को ठंडा रखने के लिए शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त ब्लेड की मोटाई तथा चौड़ाई सामान्य ब्लेड से अधिक होती है। अब हम बात करेंगे इसमें पावर शाफ्ट ब्लेड की विशिष्टियाँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर शाफ्ट ब्लेड। देखिए ये पावर शाफ्ट ब्लेड का चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे। ये ब्लेड है, इसलिए इसके तीत कट रहे हैं यहाँ पर दांते। इसमें ब्लेड की जो हम लंबाई लेते हैं, इस एक होल से दूसरा जो होल है उनके बीच की जो सेंटर है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, ब्लेड की लंबाई कहलाएगी। एक तीत से दूसरे तीत के बीच की दूरी को हम कहते हैं पिच। ये इसकी चौड़ाई होगी, ब्लेड की चौड़ाई होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ब्लेड की चौड़ाई हो गई, ठीक है, W। और जो ब्लेड की हमारी जो थिकनेस है मोटाई, ये इसकी ब्लेड की क्या होगी, इसकी मोटाई हो गई, ठीक है, टी से ये दे रखा है। लंबाई दोनों सुराखों के बीच की दूरी होती है। ब्लेड की चौड़ाई को W से डिनोट करते हैं, ब्लेड की मोटाई को टी से, दांतों की पिच को पी से। ब्लेड लगाना, फिटिंग ऑफ ब्लेड। देखिए नंबर एक, ब्लेड को कैसे लगाया जाता है, नंबर एक हेडिंग है इसमें, फ्रेम में ब्लेड को स्क्रू द्वारा कसा लगाया जाना चाहिए। नंबर टू, ब्लेड के दांत को सही दिशा की ओर होना चाहिए। मशीन के प्रकार के अनुसार ब्लेड आगे की ओर काटने वाला होना चाहिए। नंबर थ्री, मशीन विनिर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। नंबर फोर, तनाव प्रदान करने की युक्ति का प्रयोग करते हुए ब्लेड को कसना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारा क्लैंपिंग संयोजन। क्लैंपिंग संयोजन, मशीन बाइस के समान पावर सा में भी क्लैंपिंग युक्ति होती है, जिसमें कार्यखंड को क्रैंक हैंडल का प्रयोग करके पकड़ा जाता है। जब एक समान आकार के कई खंडों को काटा जाता है तो एडजस्टेबल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करके लंबी छड़ों को सहारा तथा उनके स्तर को नियमित रखा जाता है। ये हमारे क्लैंपिंग संयोजन है जो इसमें चित्र में दे रखा है, ठीक है। ये हमारी कोई लंबी छड़ होती है, मान लीजिए कोई पीस हमारा वर्क पीस लंबा है, तो उसको बांधने के लिए बाइस में हमने यहाँ क्लैंप कर दिया। ये बाइस में क्लैंप किया ये जॉब को हमने, और ये जो हमने लगा रखा है यहाँ पर स्क्रू जैक स्टॉपर, ठीक है, उसको लंबी जॉब को क्या करता है, ये सहारा देने के लिए। और ये हमारे क्या होता है, लगा हुआ स्टॉपर, जितना हमें वर्क पीस काटना है वहाँ यहाँ तक हमारे क्या हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा विद्युत चलित पावर सा के ब्लेड, ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सा। विद्युत सा के ब्लेड, ब्लेड का चयन किए जाने वाले पदार्थ एवं मशीन के आधार पर किया जाता है। ये हाई कार्बन हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा पूर्णतः कठोरीकृत किए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट में प्रति 25 दांतों की संख्या। ठीक है, सामान्य नियम के अनुसार जितना मुलायम पदार्थ होगा दांतों की संख्या भी उतनी कम होगी। जितना हमारा सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसमें तीतों की संख्या क्या होगी, कम होगी। बड़े अंतराल वाले दांत बड़ी छीलन के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें ब्लेड क्लीयरेंस। ब्लेड का क्लीयरेंस, पावर सा के दांतों को धातु में फंसने तथा छीलन की सफाई करने के लिए ब्लेड के दांतों में अंतर रखा जाता है। इसके लिए सा के दो क्रमानुसार दांतों में से एक को मोड़ दिया जाता है, अर्थात सा के दांतों को लहरदार बनाया जाता है। इससे ब्लेड के दांतों को धातु में फंसने की समस्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो आपका ब्लेड के जो टीथ होते हैं, जैसे ये हमारे ब्लेड के टीथ होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे एक या दो दांतों के बाद हमारा जो तीसरा दांत होगा वो क्या होता है, उसको क्या कर देते हैं, दांतों को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे अगर कोई धातु हम काट रहे हैं तो उससे क्या होगा, धातु में जो चिप्स होंगे वो उसको क्या करेगा, उसको साफ कर देगा। ठीक है, और इसके जो दांते होते हैं वो किस में बनाए जाते हैं, लहर टाइप में बनाए जाते हैं, वेब के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसमें पावर सा के प्रकार, टाइप्स ऑफ पावर सा। ब्लेड की बनावट के आधार पर पावर सा चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है इसमें हमारा रेसिप्रोकेटिंग पावर सा। रेसिप्रोकेटिंग पावर सा हेक्सा की तरह कार्य करती है। यह दो प्रकार के मैकेनिज्म पर चलती है, नंबर एक यांत्रिक तथा हाइड्रोलिक। अधिकतर पावर सा में दोनों ही मैकेनिज्मों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ब्लेड को ऊपर नीचे लाने में हाइड्रोलिक तथा रेसिप्रोकेटिंग गति प्रदान करने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं। ब्लेड पर दाब को कम या ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए इसके पीछे एडजस्टेबल भार रहता है। कभी कभी हाइड्रोलिक प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा बैक स्ट्रोक में ब्लेड को ऊपर उठा दिया जाता है, इससे ब्लेड की आयु बढ़ जाती है। यह आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सा है, इसका फ्रेम या मोटर है, सा ब्लेड कार्यखंड, ये 22 में क्लैंप कर दिया। ठीक है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सा। नंबर टू एडिंग है इसमें आपका बैंड पावर सा। इस मशीन में दो पुलियां होती हैं जिन पर एक फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में चलता है। यह बैंड एक ही दिशा में चलता है तथा कटाई करता है। अधिक हार्ड धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बैंड पावर सा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे क्षैतिज बैक पावर सा भी कहते हैं। यह आपका बैंड पावर सा है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सर्कुलर पावर सा। इस मशीन में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की वृत्ताकार प्लेट के आकार का होता है। इसकी परिधि पर दांते कटे होते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए एक स्लाइडिंग वाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जॉब को जकड़कर घूमती हुई सर्कुलर सा के विरुद्ध
दबाव डाला जाता है, इससे कटिंग ऑपरेशन होता है। नंबर फोर है इसमें हमारा प्रोफाइल पावर सा। प्रोफाइल पावर सा यह मशीन भी बैंड सा के समान होती है। इसका ब्लेड अत्यधिक पतला तथा कम चौड़ा होता है, जिस कारण से किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। इसकी अत्यधिक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको किसी भी प्रोफाइल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रोफाइल काटने के लिए पहले ड्रिल द्वारा होल कर लिया जाता है तथा उस होल में से बैंड शाफ्ट के ब्लेड को गुजार कर कटिंग की जाती है। प्रोफाइल पावर सा को कंटूर सा के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग में सावधानियां। नंबर एक, जॉब की माप लेते समय पावर सा को बंद करना चाहिए, चलती अवस्था में मापने का कार्य न करें। नंबर टू, कार्य के अनुसार ब्लेड का चयन करें। नंबर थ्री, कटिंग के समय शीतलक कूलेंट का प्रयोग करें। नंबर फोर, लंबी जॉब को सहारने के लिए स्क्रू जैक या जॉब सपोर्ट प्रयोग करनी चाहिए।